मैनपुरी से बीजेपी उम्मीदवार जयवीर सिंह वोटरों को लुभाने के लिए बैलगाड़ी से प्रचार करने निकले हैं। मैनपुरी बीजेपी के लिए यूपी में सबसे बड़ी चुनौती वाली सीट है। 2014 और 2019 की लहर में भी बीजेपी ये सीट नहीं जीत पाई। अब मुलायम सिंह यादव इस दुनिया में नहीं है तो बीजेपी इसे जीतने के लिए जोर लगा रही है। बीजेपी ने जयवीर सिंह को मैदान में उतारा है जो जीत का दावा कर रहे हैं। डिंपल यादव के लिए पूरा खानदान लगा है और आप बैलगाड़ी पर हैं। जिस मैनपुरी को गढ़ की बात करते थे, आज आप देख रहे होंगे जिस तरह का जनसैलाब, जिस तरह की उमंग, जिस तरह का जोश आदरणीय योगी जी और मोदी जी की नीतियों को लेकर है, उसका ही परिणाम है कि आज मैनपुरी का तथा कथित किला जो समाजवादी अपना कहती थी पूरी तरह ध्वस्त होने का काम जनता कर रही है। जयवीर सिंह को जिताने के लिए गृह मंत्री अमित शाह मैनपुरी गए थे, क्या कहकर वोट मांगा आप खुद देख लीजिए। भाई और बहनों, मैनपुरी में तीसरे चरण में चुनाव है। 7 तारीख की सुबह सुबह आपको मतदान कर हमारे नेता जयवीर सिंह को चुनकर संसद में भेजना है। मैं आपको बताता हूं, जयवीर सिंह को सांसद आप बना दो, बड़ा आदमी बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी करेंगे। मैनपुरी से अभी डिंपल यादव सांसद हैं, जो मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद उपचुनाव में जीती थीं। डिंपल मैनपुरी की गलियों में घूम घूम कर प्रचार कर रही हैं और दावा कर रही हैं कि उनका मुकाबला किसी से नहीं है। 80 की 80 सीटें बोलना ही ये दर्शाता है कि ये झूठ बोलने वाले लोग हैं। तो ये और ये भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार जनता पार्टी बनती जा रही है और ये लोकतंत्र और संविधान को बचाने की लड़ाई होने जा रही है। और मेरा मानना है कि इस बार जो परिणाम रहेंगे वो बहुत ही आशाजनक रहेंगे। डिंपल यादव के लिए इस सीट पर उनकी बेटी अदिति भी प्रचार कर रही हैं। अदिति के प्रचार का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। 1996 से लगातार इस सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है। यहां तीसरे फेज में 7 मई को चुनाव है।